नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के एनडीए नेता चुने जाने के प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह और उनके पार्टी हमेशा एनडीए सरकार के साथ रहेगी। नीतीश ने विपक्ष पर हमला भी किया और कहा कि उसने देश के लिए कोई काम नहीं किया। संसद में एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर गठबंधन का नेता घोषित करने के लिए शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बैठक में टीडीपी जैसे एनडीए सहयोगियों के साथ ही जेडीयू की भागीदारी भी रही। इसमें नीतीश कुमार ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि हम सभी एक साथ आए हैं और हम सभी पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे। आप रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आप आज ही शपथ लें। जब भी आप शपथ लेंगे, हम आपके साथ होंगे। हम सभी आपके नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। पत्रकार अभिषार शर्मा लिखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी को सर्वमत, सर्वपंथ संभाव और गठबंधन के महत्व की बात करते हुए आज मुझे एक अकेला मोदी सब पर भारी गायब है। आज मोदी जी नेशन फर्स्ट नॉट मोदी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। बहुमत से नीचे जाने का ये प्रभाव है, ये परिवर्तन स्वागत योग्य है। पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि मोदी आज अपने सहयोगी दलों को खूब मस्का लगा रहे, सबको खुश करने में लगे। मैं और सिर्फ मैं, मोदी मोदी करने वाले प्रधानमंत्री आज सर्वजन की बात कर रहे। जनता सब चपत लगाती है तो बड़े बड़े अहंकारी सत्ताधीश होश में आ जाते हैं। अर्जुन मेहर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले नीतीश कुमार चाचा की आखिर क्या मजबूरी है कि वो प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। आईपी सिंह लिखते हैं कि सच में मानसिक रूप से बीमार नजर आ रहे हैं। एक उम्र के लोग आपस में कहां पैर छूते हैं, नमस्कार दुआ करते हैं, पर इन्होंने अपने स्वास्थ्य का लक्षण जगजाहिर कर दिया है। अश्वनी यादव लिखते हैं कि एक बात तो है, गडकरी जी न पहले इतना लोड लेते थे और न अब लोड ले रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्रा। शुक्रिया।